हेलो गाइस, लेवल अप गेमर्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं फोर्जा होराइजन 5 की फर्स्ट लॉन्ग वीडियो के साथ। एंड हमने काफी सारी शॉर्ट्स अपलोड की थी, ठीक है, वो भी इसी में से कट की थी, ठीक है। ये 4 कार्स हैं, ठीक है। आप जब भी फोर्जा होराइजन 5 खेलने लगेंगे तो यहीं से हमेशा स्टार्ट होगा, तो इसलिए फर्स्ट लॉन्ग वीडियो हमने अपलोड की थी ताकि आप सबके सामने ये आ जाए। एंड इसमें 4 कार्स हैं, वो भी डिफरेंट है। लास्ट वाले में सबसे यार तेज कार है, ठीक है। अभी फोर्ड की जीप से हमने खेलना स्टार्ट किया है, जो कि हिमालयाज का पहाड़ वगैरह काफ़ी यार अच्छी जगह है। और इधर कार संभालना भी थोड़ा टफ हुआ था, बर्फ़ से आप लोगों को पता है वैसे भी कार थोड़ी ना टफ होती है चलाना। बट अभी यहाँ से जाते हैं नीचे, ठीक है, डेजर्ट वगैरह आएगा, वहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेज क्लियर करना है, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है, उसके बाद वीडियो हो जाएगी हमारी एंड। बट लास्ट वाली जो रेस है ना यार, उसमें जेस्को आने वाली है, जो देख के भाई सब के सब हिलने वाले हैं। ओके, ये व्यू यार बहुत कमाल का था। वो यहाँ से अगर देख लो, बिल्कुल डाउन में इतना दूर तक नज़र आ रहा है, इतनी ऊंचाई पर था मैं, पैराशूट से लैंड हुआ था। लाजमी बात है भाई, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होगा मैं अभी यहाँ पे। ये जगह जैसे ही मैं इस कार के करीब आया ना, मुझे भाई बार बार अस्फाल्ट याद आ रही थी। मैंने कहा इसको केडी कर दूँ, यहाँ पे 360 लगता नहीं ना, बट नॉर्मल सिंपल रेस वगैरह है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, फर्स्ट स्टेज मेरा कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट स्टेज काफ़ी छोटा था, लास्ट वाला ठीक ठाक है भाई, स्पीड भी कार की बहुत तेज थी। ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, नाइस। अभी सेकंड में कार आएगी, ये तो फर्स्ट थी फोर्ड की कार, सेकंड आएगी कॉर्वेट स्टिंगरे, जिसका कार हंट भी आने वाला है कुछ दिनों में एस्फाल्ट में, वहां पे भी मैक्स कर लेंगे ये कार, ठीक है। एंड लैंड होने वाली है हमारी कार, देखते हैं अभी क्या होने वाला है। असल में सैंड स्पीडर, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, मैंने 2 से 3 बार रिकॉर्डिंग को बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया इस कार की ग्लिच की वजह से। ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है, जैसे ही लैंड हो, फिर 2-3 सेकंड के बाद ना ये कंट्रोल में आती है। पता नहीं वो बार बार भाई रॉन्ग रूट पे जा रही थी, कोई नहीं, बट जो हो गया। अब फिर आए, इसकी भी स्पीड ठीक थी लेकिन इसकी हैंडलिंग काफ़ी ना यार ख़राब थी, इसलिए रूट के ऊपर रहने के लिए ना मैंने स्पीड को मेंटेन रखना चाहा, ज़्यादा स्पीड भी नहीं दी और कम स्पीड भी नहीं दी, ठीक है। ये भी थोड़ा टफ था बट कोई बात नहीं। इसमें देखो ये कार्स वगैरह पास से गुजरे, अभी वाटर में भी मैं जाऊँगा, जहाँ से बचना मुझे वो जो सामने तूफान है ना, ठीक है, सैंड स्टॉर्म, उसमें जाना है मुझे। एंड फिर थर्ड स्टेज मेरा स्टार्ट होगा, जो कि जंगल में है, बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ होगी भाई वहाँ पे। और कार भी ठीक है, हैंडलिंग वाली कार होती है पोर्शे, लेकिन लास्ट में वही जिस तरह मैंने आपको बोला कॉनिक जेस्को आने वाली है, जिसका मुकाबला मैं करूँगा AMG से, मर्सिडीज AMG। इसमें एक तो नॉक वाला सीन नहीं है, बट मल्टीप्लेयर में ना बहुत कमाल की सीन है यार, कार चेंज करना, दूसरों की कार के साथ रेसिस लगाना, हराना उनको। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है, काफ़ी दिन लग गया भाई, बट कोई नहीं, आगे से बिल्कुल टाइम से आती रहेंगी वीडियोस वगैरह। चलो सेकंड रेस भी कंप्लीट, थर्ड पे चलते हैं। ये बिल्कुल जंगल है भाई, जंगल ही जंगल, और यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी हैंडलिंग वाली कार दी है, ठीक है, पोर्शे। देखो ये तो डोडोस लग रहे हैं, पुराने ज़माने वाले। कोई नहीं, लैंडिंग होने वाली है, थंडर इन द जंगल ला सेल्वा ये जगह का नाम है, ठीक है। अभी गेम का साउंड ना वैसे स्टार्टिंग में ऑफ होता है, इंजन साउंड, जैसे ही बिल्कुल ये ब्लू लाइन शो होती है तो तभी स्टार्ट हो पड़ता है। अब यहाँ पे ज़्यादातर ना जंगल है, तो फिर आपको पता पानी ज़्यादा जगह होगा। लास्ट में जो टेम्पल है, उस टेम्पल के पास पहुँचना मुझे, अभी वहीं जा रहा हूँ मैं। और ये वाला कंपलसरी है, जब भी आप फोर्जा प्ले करोगे तो इसके बाद ही मेन रेसेस हर चीज़ एक्टिव होती है, उससे पहले तो ये कंपलसरी है भाई, इसको कंप्लीट करना लाजमी है। ओके, मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया है,
आगे काफ़ी सारा डाटा मैं अभी घुमा के बैठा हूँ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते रहेंगे। इसमें यार ये एक अच्छी बात थी, ठीक है, सारे मोड हैं, मतलब जंगल है, डेजर्ट है, बर्फ़ वगैरह वाले पहाड़, जिस तरह फर्स्ट में आपको दिखा फोर्ड वाली कार के साथ। यहाँ पे देखना भाई रियलिटी चेक हो, ये मतलब डॉग वगैरह भी हैं, ये खड़ा है लेफ्ट साइड पे, देखो रियलिस्टिक इतनी। ओके अभी मैं जा रहा हूँ टेंपल के पास, यहाँ पे एक कार भी आएगी, ठीक है, जिसके साथ मेरी तकरीबन ये रेस टाइप हो ही जाएगी, लेकिन इसमें अभी रेस तो वो नहीं है फीचर, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। इसके बाद हम अपने हर गुजरने वाले पास से गुजरने वाले से रेस कर सकते हैं, उसको चैलेंज दे सकते हैं, वो हमें चैलेंज दे सकते हैं। चलो ये आई थिंक थोड़ा सा रह गया लेफ्ट साइड पे ना, आप में दिखाते हैं कितना मैप क्लियर हो चुका है। इसकी स्पीड भी ठीक थी, बट लास्ट आने वाली है मर्सिडीज एएमजी, वो बहुत ही कमाल की कार है भाई, रेड कलर की। ये लास्ट लाइन थी, इसके बाद ये वाली स्टेज भी क्लियर। ये यार ये इसने ना सारा मज़ा ख़राब कर दिया था, दरमियान में आ गई ये कार। जब मैंने फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग की थी ना उसमें नहीं आई थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना वो जो स्टिंगरे कार थी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, उसकी वजह से ही मुझे रिकॉर्डिंग बार बार चेंज करनी पड़ी, फिर मैं वो डिलीट कर रहा था बार बार। ये आया ना डेजर्ट एरिया आया, ये बाजा कैलिफोर्निया है जगह का नाम, खेल खेल के याद तो रह रहा है मुझे, चलो अच्छी बात है। ओके ये गुजरी पास से जेस्को, देखा भाई साहब उसकी स्पीड अभी बहुत तेज थी, तो मैं उसको वैसे भी एक तो कैच नहीं कर सकता, और स्पीड मेंटेन करने के बाद तो क्या ही करूँगा भाई, वो तो बहुत आगे निकल गई। कोई नहीं, इसमें काफ़ी सारी कार्स हैं यार, वैनम भी है, स्पीड टेल है, मैक्लारेन G1 सब हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास अनलॉक नहीं है, लेकिन इसके मिशन कमाल के हैं, गेम भी तो काफ़ी बड़ी है ना ये। इसमें पूरी रेस में ना 100 से नीचे स्पीड मेरी नहीं जाएगी, अगर जाएगी भी सही तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि काफ़ी थोड़े ना हार्ड टर्न थे यहाँ पे, तो यहाँ पे करना पड़ गया। बट इस कार की हैंडलिंग स्पीड भाई सब कुछ बहुत स्मूथ था, मज़ा आ रहा था खेलने में। ये मुझे आगे जाके ना मिलेगी जब मैं काफ़ी सारे मिशंस करूँगा, इसको अनलॉक करूँगा ना, लेकिन तभी मिलेगी। अभी मेरे पास सुप्रा भी है, फोर्ज़ा में काफ़ी सारी कार्स हैं, अपोलो IE जो कि अभी मेरी बेस्ट कार है, बट जेस्को के लिए मुझे अभी 2 मिलियन मोर पॉइंट्स चाहिए, जैसे ही वो मेरे हो जाएंगे फिर जेस्को की भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये लास्ट रेस है, इसके बाद वीडियो हो जाएगी क्लोज। अभी चलो जाने दो, काफ़ी फासला पड़ा है, 65% कम्प्लीट हुआ अभी प्रोग्रेस हमारी, 70%। यहाँ पे स्पीड डाउन हुई मेरी थोड़ी, ठीक है, 100 से नीचे गई, अदरवाइज लास्ट में स्पीड काफ़ी अप जाती है। एंड ये किलोमीटर पर आवर नहीं है, ठीक है, माइल पर आवर है, ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखी है, तभी स्पीड इसकी स्लो लग रही होगी, नहीं तो स्पीड तो बहुत तेज है। मैं अभी नेक्स्ट उसमें ना चेंज कर दूंगा, किलोमीटर पर आवर कर दूंगा, ये 200 से चली गई, 200 माइल पर आवर। ओके गाइस चलें मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो हो चुकी है क्लोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।